नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टूडे लेक्चर हम सबसे पहले प्योर ट्रांसलेशन की बात करेंगे प्योर ट्रांसलेशन क्या होता है जैसा मैंने यहां पर लिखा है कि प्योर ट्रांसलेशन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलेशन सेम होता है मतलब अगर मैंने एक व्हील लिया तो इस व्हील पर कोई भी पॉइंट ले लू मैंने अगर यह पॉइंट ले लिया इसकी वेलॉसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर होगी इस पॉइंट की भी वेलोसिटी सेंटर ऑफ़ मास की होगी और इस पॉइंट की भी वेलोसिटी सेंटर ऑफ़ मास के बराबर होगी। so बात करूं सेम डिस्प्लेसमेंट एंड सेम एक्सिलेशन लीनियर और जब हम एक्सिलेशन की बात करते हैं ये जेई मेंस में एडवांस में आ सकता है दिस टेंजेंशियल एक्सिलेशन और टेंजेंशियल क्या होता है हर एक पॉइंट पे रेडियल भी एक्सेलरेशन होगा और एक टेंजेंशियल तो बेसिकली हम सर्कुलर में देखेंगे अगले वाले में प्योर रोटेशन में देखेंगे कि बेसिकली टेंजेंशियल का क्या इंपैक्ट होता है बट अभी आप मान के चलो यहां पर चुकी ये पार्टिकल जो है बिल्कुल सीधा जा रहा है तो ऑब्वियसली यहां पर हम केवल टेंजेंशियल की बात कर रहे हैं रोटेशन तो हो ही नहीं रहा सो ऑब्वियसली देर विल बी नो रेडियल एक्सेलरेशन सो ऑल दी पार्टिकल विल हैव सेम डिस्प्लेसमेंट सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सेलरेशन तो ये पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ऐसे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इज हाफ हाफ एम वी सी एम स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ पूरे इस चीज का काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं हाफ मास ऑफ दिस होल बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर सो हाफ एम वी स्क्वायर हम सिंपली ये लिख देंगे यहां पे ओके okay? एंड बच्चों कोशिश करो चैट नहीं So, हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट इज प्योर रोटेशन नाउ प्योर रोटेशन में आप कोई भी एक चीज मान लो मान लेते हैं कि हम एक ये डब्बा ले लेते हैं और इसमें हम प्योर रोटेशन की बात करते हैं प्योर रोटेशन का मतलब है एक ही पॉइंट के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया और मैं उसको उसी के अबाउट रोटेट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल साइकिल ले लिया या फिर लेट से अगर मैं इसकी बात करता हूं एक पेन की बात करता हूं इस पेन को मैंने यहां से होल्ड किया और इसको लीव कर दिया तो क्या हो जाएगा ये पेन जो है इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो क्लियरली क्या हो गया इस पॉइंट के अबाउट दिस पेन इज डूइंग अ प्योर रोटेशन मतलब प्योर रोटेशन का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा एक बार फिर से हम देख लें यहां पे सो so, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा एंड एंगुलर एक्सलेशन इज एल्फा ये तीनों थीटा ओमेगा एंड एल्फा ऑफ ऑल एक्सेप्ट जिस पॉइंट के अबाउट है एक्सेप्ट सपोज ये आई विल सेटिकुलर पॉइंट विल है सेम ओमेगा एंड सेम एल्फा एंड वट विल बी दी सो ऑब्वियसली वेन इट इज रोटेटिंग इन दी क्लॉक वाइज वे इस पॉइंट पर जो वेलॉसिटी होगी वो होगी आर ओमेगा

व्हील इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन टॉप पे वेलोसिटी आगे की ओर होगी एंड बॉटम पे जो वेलोसिटी होगी वो पीछे की ओर होगी एंड देर फोर इक्वल टू माइनस आर ओमेगा एंड माइनस बिकॉज हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है हमने आगे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है एंडसिटी एट दॉप इज इक्वल टू प्लस आर ओमेगा नाउन द्वेश्चन दर्शन ने पूछा है ओन टॉप बी इज इक्वल टू टू आर ओमेगा अभी हम ओमेगा और वेलोसिटी के रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम केवल बात कर रहे हैं क्या हम आर ओमेगा बिकॉज वी वी आर आर टॉकिंग टॉकिंग अबाउट अबाउट प्योर रोटेशन एंड नॉट रोलिंग हम रोटेशन की बात कर रहे हैं रोटेशन और रोलिंग डिफरेंट है रोटेशन क्या है एक पॉइंट के अबाउट एक पार्टिकल घूम रहा है फॉर एग्जाम्पल साइकिल इन द बाइसिकल इफ यू एक्चुअली पुट इट ऑन ए स्टैंड एंड स्टार्ट रोटेटिंग देन द व्हील ऑफ द साइकिल इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ओके And R is the radius of this particular wheel. So R is the radius of this wheel and omega is the angular velocity. Okay. Yes, this is for means, this is for advanced, this is for need, this is uh, for all the competitive exams, which has rotation as a chapter. Okay. So now once you know this, we'll go to the topic that we require to do today, and the topic is. कॉम्बिनेशन तो बच्चों एक बार जस्ट इस, क्लियरली इसको देखो आप स्लाइड को नाउ वेन आई टॉक अबाउट प्योर रोटेशन प्योर रोटेशन हमने क्या बोला ऑल दी पॉइंट विल हैव द सेम एंगुलर वेलॉसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सलेशन सो लुक एट दॉप टॉप की वेलॉसिटी कितनी दिख रही है आपको टॉप की वेलॉसिटी इज वेलॉसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड बॉटम की वेलॉसिटी इज इक्वल टू दसिटी ऑफ देंटर ऑफ मास एंड एज पर आवर प्रीवियस स्लाइड एज पर आवर प्रीवियस स्लाइड वॉट विल हैपन दिस इज इक्वल टू अभी हम इसको अभी अलग कर देते हैं दिस इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू इसको भी अभी हटा देते हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर ओमेगा इन दिट डायरेक्शन ओके सो बेसिकली दिस इज आर ओमेगा दिस इज आर ओमेगा एंड इन प्योर ट्रांसलेन दिस इज इक्वल टू दी ऑफ देंटर ऑफ मास इस पॉइंट की सेंटर ऑफ मास बॉटम भी आगे की ओर जा रहा है एंड देर फोर इट इज इक्वल टू है सो ऑब्वियसली माइनस मैंने कट नहीं किया है सो माइनस आर ओमेगा सो इसको भी अगर हटा लेट्स से इन दिवेक्शन इन दॉजिटिव डायरेक्शन नाउ रोलिंग आई एम नॉट रिटर्न प्योर रोलिंग रोलिंग मोशन क्या कहता है रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मतलब देर इज नो डिफरेंस रोलिंग इज कॉम्बिनेशन

If anything in this direction is positive then everything in the opposite direction will be negative. Okay, so clearly if I'm and I'm changing the pen ka color. Uh, okay. So now anything which is in this direction is positive anything in the negative direction is negative and therefore this is negative. एंड दिस इज पॉजिटिव ओके सो क्लियरली दिस इज प्योर रोटेशन तो हम एक बार यहां पर देखते हैं आई कैन राइट डाउन वट आई हेव रिटर्निटी ऑफ दिस पॉइंट पी ओके सो वेलॉसिटी ऑफ टी इज इक्वल टू आर इन टू ओमेगा यहां पर देखते हैं वेलॉसिटी ऑफ टॉप क्या है सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज पॉजिटिव दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव ओके नाउ हियर वेलॉसिटी ऑफ द टॉप इज इक्वल टू दिस पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्योर रोटेशन एंड वेलोसिटी ऑफ प्योर ट्रांसलेशन ओके ये समझ में आ रहा है सबको वेलोसिटी जितना रोटेशन का वेलॉसिटी है और जितना ट्रांसलेशन का वेलोसिटी है so, तो सिंपली एड कर देंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ रोटेशन कितना है आर ओमेगा एंड प्लस माइनस में प्लस है और वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन कितना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सो दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ द टॉप ओके नाउ यहां पे बॉटम की बात कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पी तो वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर ओमेगा यही हमने देखा है पिछले वाले स्लाइड में और यहां पे वेलोसिटी ऑफ पी कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू प्लस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास सो वेलोसिटी ऑफ पी यहां पे इस केस में विल बी इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ रोटेशन प्लस वेलॉसिटी ऑफ ट्रांसलेशन एंड दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ आर ओमेगा एंड प्लस ऑफ वेलॉसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास सो दिस इज द नेट वेलॉसिटी एट द बॉटम आई होप एवरी वन हैज गॉट दिस ओके इफ एवरी वन हैज गॉट दिस राइट यो इन द चैट बॉक्स अगर सबको चलो ग्रेट नाउ इनफैक्ट इसी स्लाइड पे एक और चीज करते हैं अभी हमने वेलोसिटी की बात करी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी इन ईच ऑफ द केसेस सो काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ प्योर रोटेशन सो दिस इज रोटेशन एंड आई विल राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी सो काइनेटिक एनर्जी ओवर हियर इज इक्वल टू हाफ आई o omega square now what is this i o is moment of inertia of the point about which a particle is hinged okay so i o o is the point about which the particle is hinged or this point in this particular case and omega is the angular velocity so this is angular velocity and i o is the moment of inertia of the point about which the particle is

एंड नाउ काइनेटिक एनर्जी यहां पे टोटल इस सिस्टम का क्या हो जाएगा बिकॉज दिस इज स्केलर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच मीन्स सारी काइनेटिक एनर्जी एड हो जाएगी एंड दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू हाफ आई नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर एंड मेनी अ टाइम्स दिस इज सिंपली ई कैन राइट ऑन दिस इज ओ इज हियर सेंटर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं दिस इज नथिंग बट हाफ आ आई पी ओमेगा स्क्वायर एंड दिस पॉइंट इज एबाउट पी इज द पॉइंट अबाउट विच पार्टिकल इज हिंज सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं बेसिकली यू काइनेटिक एनर्जी जो है कभी भी हम रोलिंग की जब बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन की बात करता हूं अगेन और मैं इसको छोड़ देता हूं यहां से सो इफ आई एक्चुअली लीव द पेन दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई अबाउट विच इट इज हिंस और सिंपली ये हो जाएगा और अदरवाइज आई विल से हाफ आई ओ मेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी सी एम स्क्वायेर ओके सो विनोद आई होप यू हैव गॉट इट एंड दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गया है एक्चुअली आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड एक्चुअली गिव यू अ क्वेश्चन सो दैट यू कैन सोल्व सो बच्चो हम जो ये लेक्चर कर रहे हैं ये काफी डिटेल्ड लेक्चर है जिसमें यू विल एक्चुअली टेक योर टाइम नोट डाउन योर पॉइंट एंड उसके बाद हर एक पॉइंट पे प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करो ओके सो लेट्स गो टू अनदर स्लाइड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम नाउ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रॉड है एंड दिस वॉज आस्ट इन जेई मीन टू थाउजेंड नाइनटीन पिछले साल भी आया था ओके okay? सो so, अगर एक रॉड इस तरीके से दिया हुआ है एंड इफ आई लीव दिस रॉड देन वॉट विल बी देंगुलर विलॉसिटी वैन इट रीचेज टू द हॉरिजोंटल मतलब इस रॉड को ऐसा है और मैंने इसको लीव कर दिया एंड वैन ईट रीच दॉरिजोंटल वॉट विल बी दी एंगुलर विलॉसिटी यू नीड टू आंसर दिस बट बिफोर आई गो अड यू टेल मी ऑल ऑफ यू कि यह जो केस है दिस इज द केस ऑफ प्योर रोटेशन और रोलिंग मोशन वॉट इज द केस वॉट इज दिस केस प्योर रो ये प्योर रोटेशन है या रोलिंग मोशन है ओके इट इज प्योर रोटेशन बच्चों सो बेसिकली सिंपली आप क्या करोगे प्योर रोटेशन में हमने आपको क्या बोला था प्योर रोटेशन में मैंने आपको बोला था कि आपको केवल देखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ

So, IP is equal to ML square by 3. So, this will be equal to half ML square by 3 into omega square. This is the kinetic energy. Okay. Now, what will be the uh, work done? So, work done by gravity is, jo center of mass So, when this rod becomes horizontal, when this rod becomes horizontal like this, delta H, which is, द चेंज इन द हाइट चेंज इन द हाइट कितना हो जाएगा चेंज इन द हाइट इज इक्वल टू इफ दिस इज एल बाई टू दिस इज एल बाई टू कॉस ऑफ थर्टी डिग्री एंड दिस इज डेल्टा इज इक्वल टू एल बा डिग्री एंड देयर फोर साइन थर्टी इज हाफ एंड दिस इज इक्वल टू एल बाई फोर तो डेल्टा एच कितना हो गया एल बाई फोर एंड वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड देयर फोर एम जी डेल्टा एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज हाफ एम एल स्क्वायर बाई थ्री इन ओमेगा स्क्वायर एंड डेल्टा एच इज एल बाई फोर सो एम जी एल बाई फोर इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर और यहां से अगर आप कट कर लोगे तो फाइनली ओमेगा जो आ जाएगा यहां पे एम से एम गेट्स कैंसल्ड एल एल गेट्स कैंसल्ड टू से दिस टू गेट्स कैंसिल्ड एंड यू विल गेट इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू थ्री बाई टू जी बाई एल एंड यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट दिस एज द आंसर ओके आई होप एवरी वन एज गॉट दिस सबको समझ में आया तो हमने क्या किया आप देखो ये क्वेश्चन पिछले साल जेई मेन में आया था एंड सिंपली बाय लुकिंग एट द रॉड यू विल से दैट दिस इज अ प्योर रोटेशन एंड वी डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग एल्स एंड सिंपली आप यहां पे लिखोगे काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन का रिलेशन है एक बार मैं फिर से बता देता हूं ये देखो पेन है यहां पे ये पेन गिरा और यहां पे पूछा गया है आपसे काइनेटिक एनर्जी कितना है तो जनरली इन केस ऑफ रिजिड बॉडी हम सेंटर ऑफ मास की हाइट देखते हैं कितना वो चेंज हुआ सो यहां पे यू क्लियरली सी सेंटर ऑफ मास इज एट सो इसकी हाइट जो चेंज हुई वो इतनी हुई विच इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्रॉम ट्राइंगल आप देखोगे राइट एंगल ट्राइंगल सो दिस इज एल बाई टू तो ये कितना हो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा एल बाई टू साइन थीटा एंड देयर फोर साइन थर्टी डिग्री इज हाफ एंड दिस इज इक्वल टू एल बाई फोर तो हाइट चेंज इज एल बाई फोर तो हमने क्या किया वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन ग्रेविटी इज इज इक्वल इक्वल टू टू डेल्टा ओमेगा स्क्वायर एंड एंड फ्रॉम हियर यू कैन सॉल्व गेट योर राइट आंसर सो आई होप एवरी वन हेज गॉट दिस एंड श्रियांस सर यू वेयर केमिस्ट्री टीचर सो केमिस्ट्री टीचर आई वॉज अ लॉन्ग बैक आई वॉज अ केमिस्ट्री टीचर सो इन टू थाउजेंड सिक्स टू टू थाउजेंड टेन आई टॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओके चलो तो आई होप एवरी वन इज लाइक डेट सो यू इन द चैट बॉक्स एंड विल मूव अहेड एंड एक्चुअली टॉक अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग नाउ नाउ लेट्स गो एंड एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम बिकॉज यहीं पे सारे बच्चे अटकते हैं यहां तक सबको आता है बट यहां पर बच्चे अटकना शुरू कर देते हैं कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग क्या कहता है इसको आपको नोट करना है बच्चों तो प्योर रोलिंग कहता है कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग कि जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिस पॉइंट इज इन कॉन्टेक्ट विथ ओके यहां पर पी पॉइंट इज इन कॉन्टेक्ट विथ द ग्राउंड देयर फोर पी पॉइंट जो है ये कॉन्टेक्ट में है तो जितने भी पॉइंट कॉन्टेक्ट में है उन सब की रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो सो ऑल दी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट सो आई विल जस्ट राइट डाउन हियर प्योर रोलिंग का कंडीशन क्या कहता है प्योर रोलिंग का कंडीशन कहता है ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट विल हैव रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू जीरो now all the points of contact will have relative velocity equal to 0 and in the previous question we saw and in the previous concept we saw if i take this as a circle this point velocity was equal to velocity of the center of mass plus r omega and this point's velocity was equal to velocity of the center of mass minus r omega isn't it so when we saw a pure rolling condition in which a particle is moving with a velocity of the center of mass and angular velocity omega. So, this point velocity was equal to velocity of the center of mass minus r omega. And pure rolling ka condition says, if this point P is in contact with let's say Q, so these two velocities will be same at all the times. So, these two velocities will always be same and therefore, what will Velocity of P with respect to Q will be equal to zero और वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ क्यू इज इक्वल टू जीरो और वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्यू नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ क्यू आप देखो ग्राउंड तो रुका हुआ है तो द वेलोसिटी ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू जीरो और ये वेलोसिटी जो है ये कितना है जीरो एंड ये वेलोसिटी कितना है वी सीओ माइनस आर ओमेगा एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन What happens is I will get velocity of the center of mass is equal to r omega and you have to remember this condition that this condition is not always true. Why are they equal? This is the condition murli for the pure rolling. ki pure rolling का मतलब ये होता है एक बार मैं इसके डेफिनेशन को फिर से देखते हैं pure rolling का मतलब होता है rolling without स्लिपिंग सो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब यह हुआ कि स्लिप नहीं कर रहा मतलब दोनों पॉइंट को साथ में रहना है सो ऑब्वियसली हर इंस्टेंट पे जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है दैट विल ऑलवेज बी रिलेटिव टू ईच अदर ऑलवेज बी स्टेशनरी सो एट दिस पॉइंट पी एंड क्यू आर एट्रेस्ट लेट से नेक्स्ट पॉइंट पे समाइंट पी डैश एंड क्यू डैश दीज टू आर एट ट्रस्ट सो ऑलवेज दीज टू पॉइंट विल ऑलवेज बी एट रेस्ट तो कभी आपने साइकिल को ऑब्जर्व किया है तो अगर किसी भी आपने कार टायर ऑफ द कार को ऑब्जर्व किया है सो विल ऑब्जर्व दैट द टॉप ऑफ द वेलोसिटी और टॉप ऑफ दिस व्हील इज नॉट विजिबल बट ग्राउंड इज विजिबल बिकॉज ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी विल बिकम बाय दिस डेफिनेशन दिस विल बिकम इक्वल टू टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास वेयर एज दिस विल लुक लाइक इक्वल टू जीरो सो so, नीचे वाला वेलोसिटी जीरो दिखेगा ऊपर वाला वेलोसिटी जो है आपको डबल दिखेगा एंड देयर फोर ऊपर हेजी दिखेगा और नीचे लाइटर दिखेगा इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द टॉप ऑफ द द कार टॉप ऑफ टायर ऑलवेज लुक्स हेजी वेर एज बॉटम ऑफ द टायर ऑलवेज लुक्स यू नो क्लियर बिकॉज द रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो ओके नाउ डिड यू गेट दिस और नॉट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज बेसिस दिस आई विल गिव यू अ क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो राइट यो इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन गो अहेड एंड गिव यू क्वेश्चन अनुराग इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे दैट इज लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक हल्का सा डिफिकल्ट है बट विल कवर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर सो ग्रेट ओके सो नाउ सो वॉट इज दिस प्योर कंडीशन आप सबको क्लियर हो गई दैट ऑल दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल हैव Relative velocity equal to zero. So let's go ahead and do this particular question. So what is your answer? right in the chat box. I am looking at the chat box. Ha! Rotation. We will also cover toppling. will also cover uh, rolling and angular impulse. So we will cover impulse. We will cover rolling and we will cover toppling. Okay. डिम्पी एक्चुअली रोटेशन सबसे टफ था तो आई स्टार्टेड विथ रोटेशन बिकॉज जे मेन इज अराउंड द कॉर्नर ओके नाउ क्लियरली दिस इज अ मल्टी चॉइस क्वेश्चन बच्चों एंड लेट मी ट्राई टू एक्चुअली गिव यू द आई होप एवरी वन हेज अटेम्प्टेड दिस नाउ लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉट आई सेड एक बार ध्यान से सुनना ऑल दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल हैव रिलेटिव रिलेटिविटी इक्वल टू जीरो नाउ हियर दिस इज दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस इज दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो सबको अलग कर देते हैं तो जैसे ही हम अलग कर देंगे क्या हो जाएगा लेटेस्ट लुक लेटेस्ट टेक अ लुक ऑन दैट ओके सो नाउ दिस पॉइंट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस एंड दिस पॉइंट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ए एंड ए डैश पॉइंट क्या है दिस इज बी एंड दिस इज बी डैश और बी डैश एंड बी नाउ आई कैन से क्लियरली फ्रॉम प्रीवियस केस वेलोसिटी ऑफ ए डैश विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी डैश विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी बिकॉज प्योर रोलिंग की कंडीशन कहती है कि ऑल दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच मीन दीज टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट and these two point of contact will be

क्यों क्योंकि इट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो यहां पे प्लस हो गया और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा वी नॉट इधर की ओर एंड बिकॉज इट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन आर इधर की ओर एंड यहां पे इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू वी और इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू थ्री वी नाउ लेट अस सॉल्व दिस सो क्या हो जाएगा आई कैन राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ ए डैश व्हिच इज इक्वल टू ओमेगा बिकॉज इस साइड पे वेलोसिटी वी है तो पहले हम इधर लिख देते हैं इधर वेलोसिटी वी है और चूंकि इधर को हमने पॉजिटिव लिया है तो दिस ओमेगा माइनस वी नॉट लिखेंगे यहां पे, सो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा एंड नॉट सो दिस इज इक्वल टू वी और यहां के कंडीशन से क्या हो जाएगा वी नॉट प्लस ओमेगा आर इज इक्वल टू थ्री वी सो दिस इज द टू इक्वेशन इफ आई एड दीज टू इक्वेशन वट आई विल गेट इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा आर ज इक्वल टू फोर टाइम्स वेलॉसिटी एंड ओमेगा इज इक्वल टू कितना टू वी अपॉन आर एंड सिमिलरलीफ आई पुट दिस वैल्यू इन इधर ऑफ दिस इक्वेशन आई विल गेट वी इज इक्वल टू आई विल गेट वी इज इक्वल टू वी नॉट आप सोल्व कर सकते हो सो so क्लियरली बच्चो यहां पर आप देखो आपका यह भी आंसर सही है और आपका एंगुलर वेलॉसिटी इज इक्वल टू टू वी बाई आर भी सही है सो सी एक्चुअली एनी क्वेश्चन इन 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 मैकेनिक्स इज नॉट कॉम्प्लेक्स सबसे पहले आपको समझना यह जरूरी है नन ऑफ द क्वेश्चन इन मैकेनिक्स इज कॉम्प्लेक्स द ओनली थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज द अप्रोच एंड इफ यू गेट द राइट अप्रोच देस इज जस्ट लाइक दिस ओके सो आई होप एवरी वन हेज गॉट इट तो धीरे धीरे करते ना बच्चा मतलब बेसिकली लेट्स नॉट रश इन आराम से बैठो आराम से पेन कॉपी चाहे आप लेके बैठो एंड ट्राई टू सॉल्व स्लोली ग्रेजुअली बिकॉज आवर एम इज नॉट टू रश थ्रू हमारा एम क्या है लेक्चर का हम धीरे धीरे चीजों को समझेंगे धीरे धीरे हम इसको इस तरीके से करेंगे कि हमें दोबारा ये करने की जरूरत नहीं हो एंड वी आर मास्टर ऑफ दिस टॉपिक ओके एंड रोटेशन का सबसे ज्यादा वेटेज होता है मतलब ऑलमोस्ट लाइक एवरी ईयर वन और टू क्वेश्चन टू क्वेश्चन तो पक्का ही रोटेशन से होते हैं सो एंड लास्ट ईयर ऑल्सो इन एवरी सेशन देर वॉज अ क्वेश्चन सो आई होप एवरी वन इज गॉट दिस आई एम मूविंग सो क्लियरली प्योर रोलिंग एक बार फिर से हम देख देते हैं सर बी इज द करेक्ट आंसर बी थ्री वी बाई टू आर है डिस्क अभी हमने कैलकुलेट किया दैट टू बी टू वी बाई आर एंड नॉट थ्री वी बाई टू आर ओके नाउ सो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर नाउ विल मूव ऑन टू प्योर रोलिंग की प्रॉब्लम सो so, हमने क्या क्या देखा अभी एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हमने देखा प्योर रोटेशन हमने देखा प्योर ट्रांसलेशन और हमने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन विच इज रोलिंग मोशन बट रोलिंग मोशन बिकम्स प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वेन रोलिंग मोशन बिकम्स प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वेन कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग इज अप्लाइड विच मीन्स ऑल दी कॉन्टैक्ट पॉइंट विल हैव सेम विलॉसिटी ऑल दी द्वार्स विल हैव सेम दिलासिटी ओके सो नाउ एंड दिस थ्योरी इज इनफैक्ट मोर देन एनअ फॉर क्लियरिंग इवन ओलंपियाड क्वेश्चन सो बच्चो जो मैं आज बता रहा हूं इसको अगर आपने ढंग से कर लिया तो मीन्स एडवांस ओलंपियाड आप किसी के प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो ओके सो ना अगर हमें प्योर रोलिंग की कंडीशन करनी है और कोई भी क्वेश्चन करना है सो दिज आर ओनली फाइव स्टेप्स एंड इफ यू फॉलो ऑल दीज फाइव स्टेप्स यू कैन नॉट कमिट मिस्टेक सबसे पहला यू हैव टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इट ऑल स्टार्ट विद फ्री बॉडी डायग्राम द सेकेंड इज ड्रॉ द एक्सेलरेशन डायग्राम मतलब एक बार आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया फिर एक्सेलरेशन डायग्राम दैट आई विल टेक दिस पॉइंट थ्रू द क्वेश्चन बट आप इसको नोट जरूर कर लो सो so दैट जो भी मैं अगला क्वेश्चन करने वाला हूं उसमें मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करूंगा द थर्ड पॉइंट इज कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग जो अभी अभी सीखा कि एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल हैव सेम विलॉसिटी और सेम लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन So, it is very important that all the contact points will have same tangential acceleration. And fourth is write down the equation of force is equal to MA and torque is equal to I alpha. Likh diya apne? So, uh, so fourth is summation of all the forces is equal to MACM, and fifth point is torque is equal to I alpha. Ek bar ye path steps lik diye, no one is going to actually.

सो बेसिकली होलो सिलेंडर जो है यहां पे दिस इज अ अलो सिलेंडर और इसके अराउंड स्ट्रिंग बंधा हुआ है नाउ वंस दिस स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय 40 न्यूटन मतलब हमने इस स्ट्रिंग को खींचा 40 न्यूटन से एंड व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज द एंगुलर एक्सलेशन ऑफ द सिलेंडर तो हमें इसके एंगुलर एक्सलेशन निकालना है इसके बहुत सारे तरीके हैं हम सबसे पहले दो मेथड करेंगे यहां पे फर्स्ट मेथड इज जो अभी मैंने बताया कि हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे सो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है इसका हमने यहां पे एक फोर्स लगाया विच इज टेंशन एंड टेंशन इज गिवन टू बी इक्वल टू 40 न्यूटन नाउ एक चीज आपको नोट करना है कि एक्चुअली जब भी फोर्स टॉप पॉइंट पे लगता है फ्रिक्शन जो है इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन है वो आगे की ओर लगेगा एंड दैट आई कैन टॉक इन डिटेल बट अभी हम यहां पे नहीं करते हैं कि द फोर्स इज ऑन दी टॉप मोस्ट पॉइंट एंड दिस इज अ थम रूल कि अगर फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो हमेशा रोलिंग के केस में या रोटेशन के केस में फ्रिक्शन इज इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन ओके सो दिस इज फर्स्ट स्टेप स्टेप हम यहीं पे द्रॉ कर लेते हैं सेकेंड स्टेप भी सेकेंड स्टेप क्या बोलता है एक्सिलेशन डायग्राम तो आपको एक्सिलेशन डायग्राम ड्रॉ करना है कि इसका सेंटर का एक्सिलेशन अगर ए सी एम है एंड दिस इज रोटेटिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एल्फा सो एक्सीलेशन डायग्राम हो जाएगा मेरे पास यहां पे ए सी एम प्लस आर एल्फा और इस पॉइंट पे एक्सेलेशन डायग्राम हो जाएगा ए सी एम माइनस ऑफ आर एल्फा दिस आर दूसलेशन टॉप का और बॉटम का एंड नाउ वेन यू एक्चुअली थर्ड पॉइंट हमने लिखा था थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था अप्लाई दंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग एंड प्योर रोलिंग क्या कहते हैं कि ऑल दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हियर दिस पॉइंट दिस पॉइंट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड सो इन दोनों का एक्सेलेशन सेम होगा एंड देयर फोर ए सी एम माइनस आर एल्फा विच इज द एक्सलेशन ऑफ दिस सिलेंडर और ग्राउंड क्या है इट इज एट रेस्ट सो एक्सलेशन ऑफ ग्राउंड इज जीरो राइट डाउन दिस इज इक्वल टू जीरो और ए सी एम इज इक्वल टू आर एल्फा दिस इज दर्ड पॉइंट फोर्थ क्या हो जाएगा फोर्थ इज वेरी सिंपल यह तो आपने पहले से भी किया हुआ है तो फोर्थ इज इक्वल टू नेट फोर्स विच इज टेंशन प्लस फ्रिक्शन दोनों चूकी इस डायरेक्शन में है टेंशन प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सलरेशन ऑफ देंटर ऑफ इक्वल टू टॉर्क अब टॉर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों यहां पर ध्यान से देखो टॉर्क हम कैसे करेंगे आई विल अप्लाई एपीज मेथड जस्ट अ सेकेंड सो टॉर्क करने के लिए हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से और सेंटर से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे उसका डायरेक्शन है तो एंटी फ्रिक्शन के डायरेक्शन में सो so, एग्जैक्टली exactly मैं क्या बोल रहा हूं आपने सेंटर से जिस पॉइंट पे आपको टॉर्क निकालना है वहां से लाइन ड्रॉ कर दो और उसको फोर्स की तरफ देखो तो अगर फोर्स की तरफ क्लॉकवाइज है यहां पे पहले वाले केस में और यहां पे फोर्स की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है एंड मैंने आपको यहां पे पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि अल्फा के डायरेक्शन में हम पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे सो so यहां पे टॉर्क क्या हो जाएगा टी बिकॉज इसके द्वारा टॉर्क इज नेटिव सो माइनस एफ इन टू आर इज इक्वल टू आई सी एम एल्फा सो दीज मेनी स्टेप्स राइट ये इतने सारे स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बट नाउ इसको आप सॉल्व कर लेना अभी पेन कॉपी लेके आप अभी सॉल्व कर लेना बट आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इजी स्टेप टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सो वट विल डू हम इस पॉइंट पे डायरेक्टली टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें कि नीचे ये जो पॉइंट है आपका बॉटम मोस्ट पॉइंट वी कैन कैलकुलेट टॉर्क डायरेक्टली अबाउट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट The torque due to friction becomes equal to zero because friction is passing through this point, and therefore, if this is tension, again, like in the first case, this is tension. Is point pe, if I calculate torque, so I have to draw a line from here, and this is clearly in the direction of alpha. So I can simply write down T multiplied by two into r, two R Q, because this distance is two R. सो so बेसिकली यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो टू आर है इज इक्वल टू आई अबाउट दिस पॉइंट पी आई पी इन टू एल्फा सो नाउ विल बी दी टेंशन अब देखो टेंशन दिया हुआ फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई टू आर इज गिवेन टू बी पॉइंट फाइव मीटर सो इन टू जीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल टू आई पी इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आई पी इज इक्वल टू

and therefore alpha is equal to you can multiply a 1 hoga 40 a cancel this ho 20 hoga and therefore alpha is equal to 20 divided by mass which is 5 into r square which is 0.5 into 0.5 which is equal to 0.25 so this is equal to 4 and this is equal to 16 so answer is 16 radian per second square so i hope everyone has got this तो अगर आपको समझ में आ गया जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा यू कैन डायरेक्टली फाइंड द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट बिकॉज दैट एलिमिनेट्स लॉट ऑफ इक्वेशन एंड यू कैन ओनली सॉल्व डायरेक्टली इन वन स्टेप सो वेन एवर दिज काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स एंड रोमित आई विल एक्सप्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अ सेपरेट लेक्चर बट हियर वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि एक बार अगर आपको यह समझ में आ गया यू कैन एक्चुअली सॉल्व एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड देयर फॉर वॉट विल हैपन समझ आएगा तो मजा आएगा सो so, मजा आएगा तो समझ आएगा सो so, बेसिकली बच्चो सो यू विल गेट द आंसर एट सिक्सटीन बट एक बार अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप टू यू यू नीड टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड वॉट इज द आंसर आई एक्चुअली आई एम लुकिंग एट द चार बॉक्स यस आफ्टर दिस साइमा आफ्टर दिस विल एक्चुअली हम सब ए रोटेशन के ही क्वेश्चन हैं सत्या uh, अभी हमने बताया था मेथड लॉट ऑफ राइट है सो क्लियरली यहां पे दिया हुआ है होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर सो दिस ऑफ रेडियस आर पुल्ड बाय अ क्रिकेट पेट बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एंड यू हैव टू फाइंड एंगुलर एक्सलेशन वेरी सिंपल आई विल फाइंड टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट आई विल से f इन टू इज दिस टॉर्क एफ 2r So basically f into 2r is equal to i about this point, which is p into alpha, and this is solid cylinder. Solid cylinder me ka i p is equal to i of the center of mass plus mr square and this is equal to half mr square plus mr square, which is equal to 3 by 2 m r square. Okay. So basically this will be equal to 3 by 2 m R square into alpha and this is equal to f into 2r. This r and r gets cancelled and therefore alpha is equal to 4f f into 2r. Yes, so ba basically alpha is equal to 4f by m into alpha sorry m into r and this is 3. ओके एक मिनट लेट मी जस्ट चेक होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर इज एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर विच इज थ्री बाय टू दिस इज करेक्ट एल्फा यस नो आंसर इज करेक्ट ठीक है सो नो आंसर इज मैचिंग ओवर हियर डजेंट मैटर बट होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर है यहां पे मोस्ट प्रॉब्लली दिस क्वेश्चन वाज सॉल्व बाय एक्चुअली होलो सिलेंडर तो अगर हॉलो ले लेंगे तो एंसर मैच कर जाएगा बिकॉज हॉलो सिलेंडर का कितना होता है एम आर स्क्वायर एंड हॉलो सिलेंडर में एम आर स्क्वेर प्लस एम आर स्क्र इज टू एम आर स्क्वेर देन इट विल एक्चुअली मैच अदरवाइज इट इज नॉट मैचिंग ओवर हेयर ओके थ्री बाई टू ठीक है यू गेस चेक इट ओके सो लेट्स मूव टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड कैन बी सॉल्व दिस नाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम लुक्स वेरी टफ एंड क्लियरली यहां पर आप देखो ओके okay, एक मिनट लेस्ट लास्ट क्वेश्चन इज होमोजीनियस ठीक है ऑब्वियसली फोर्स डजेंट मैटर नाउ लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चों यहां पर दिया हुआ है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे सो यहां पर अब, अब हम इसको प्योर रोलिंग को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और वाई फोर्स नॉट ऑन देंटर ऑफ मास आई डोट नो एक्सैक्टली क्वेश्चन में कुछ एर था बिकॉज इट वॉज नॉट मैं फोर्स इज अपलाइड ऑन दॉपेंटर इट विल नॉट रोटेट तो एंगुलर एक्सोलेशन जीरो हो जाएगा बट अगर मैं टॉप पे अप्लाई करूंगा तभी एंगुलर एक्सोलेशन लगेगा सो वेन एवर वी अपलाई फोर्स एट देंटर ऑफ मास द बॉडी विल नॉट रोटेट इट विल ओनली ट्रांसलेट ओके एंड ओके सो

यहां पे नीचे की ओर एम जी सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस एंड यहां पर एग्जैक्टली exactly, अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा यहां पर टेंशन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड एज आई सेट दॉप फ्रिक्शन विल बी इन दायरेक्शन सो इफ आई एक्चुअली लुक एट दिस वी विल हैव टेंशन वी विल हैव फ्रिक्शन दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इस पे क्या हो जाएगा इस पे टेंशन अपवर्ड एंड एम जो है इस पे नीचे की ओर हो जाएगा सो दिस इज दी फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप हम लिखते हैं अगर मैं इसको देखूं सो सेंटर का एक्सिलेशन इज एक्सिलेशन ऑफ देंटर ऑफ मास एंड रोटेशन इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एल्फा सो आई विल राइट डाउन दिस पॉइंट विल हैव ए सी एम प्लस आर एल्फा एंड दिस पॉइंट हैज एक्सिलेशन इक्वल टू ए सी एम माइनस आर एल्फा सो आई कैन राइट डाउन द सेकेंड स्टेप सो दिस इज देशन और इसका एक्सलेशन जो है इस ब्लॉक का जो एक्सेरेशन है उसको मैं मान लेता हूं नीचे की ओर एक्सलरेशन एके सो दिस इज हाउ विउन द एक्सिलेशन नाउ द थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो थर्ड स्टेप गोलू एक्चुअली विल बी वॉट अगर मैं यहां पे देखूं तो इसका एक्सलेशन मतलब इस पूरे स्ट्रिंग का जो एक्सलेशन है इस पॉइंट पे सो इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग इस पॉइंट का एक्सिलेशन कितना है इसका है ए सी एम प्लस आर एल्फा और इस पॉइंट का एक्सलेशन कितना है ए सी एम माइनस आर एल्फा एंड दिस इज इन टच विथ ग्राउंड सो लेट से दिस इज पॉइंट पी दिस इज पॉइंट क्यू एंड पी एंड क्यू आर इन टच विद ईच अदर एंड दिस पॉइंट इज इन टच द स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एक्सिलेशन कितना है स्ट्रिंग का एक्सिलेशन इज एक्सिलेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड देयर फॉर स्ट्रिंग का एक्सिलेशन इज ए सो दिस पॉइंट लेट से दिस इज एस एंड दिस इज टी सो दिस टू दिसन विल बी सेम एंड आई कैन से दिस विल बी इक्वल टू ए एंड सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो एंड फ्रॉम हियर आई विल से ए सी एम इज इक्वल टू आर एल्फा और फ्रॉम हियर आई कैन से दी एम चूंकि आर एल्फा तो ट्वाइस ए सी एम इज इक्वल टू ट्वाइस आर एल्फा इज इक्वल टू ए सो आई कैन से दिस एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सो आप क्लियरली आप यहां पर देखो दिस स्टेप इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं वट आई डेड वॉज वी ड्रू द फ्र फ्री बॉडी डायग्राम पहले स्टेप में और मैंने आपको बताया इफ द फोर्स इज एट द टॉप Then friction 100% will be in the forward direction. So tension and friction at the in the forward direction, or is block me small block mein, tension upper ki or Mg niche ki and we have assumed that the block small block is moving downward. And third step is applying the condition of pure rolling. And jassi maine I get two conditions: A is equal to ACM, twice ACM, or ACM is equal to R alpha. So now let's go and apply the fourth step. So, हम फोर्थ स्टेप करेंगे यहां पे। फोर्थ स्टेप क्या कहता है फोर्थ स्टेप कहता है आप फोर्स की इक्वेशन लिखो फोर्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी आई विल से इस वाले केस में टेंशन प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए सी एम और इस स्मॉल ब्लॉक के लिए कितना हो जाएगा एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल ए और आई कैन से एम इन टू ए कितने

and therefore it is equal to i p into alpha okay did you get this so torque is equal to i into alpha and these are my equation and i can directly solve from here i can find the tension alpha is equal to what alpha is equal to acm you have clearly alpha is equal to acm by r or you pe if this is cylinder solid cylinder so i can say half mr square plus mr square and टू एल्फा सो दिस इज इक्वल टू आई विल गेट थ्री बाई टू एम आर स्कवाण्ड यहां पर मेरे पास आ जाएगा टेंशन इंटू टू आर सो आर एंड आर गेट्स कैंसल एंड आई कैन सोल्व फॉर एल्फा एंड सब्सिट्यूट एंड गेट देंसर सो बच्चो डिड यू गेट दिस और नॉट ये और नो सो बेसिकली इन फाइव स्टेप्स यू कैन सोल्व एनी एनी प्रॉब्लम ऑफ रोलिंग मोशन चाहे दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए यू कैन एक्चुअली सोल्व ंग मोशन इन दीज फाइव स्टेप्स मतलब इसके अलावा कुछ और एग्जिस्ट ही नहीं करता है आप आराम से दूंग वेर पीपल एक्चुअली फॉल्टर इज दर्ड स्टेप आपको केवल यह कैलकुलेट करना है और फोर जी बाई इलेवन बिकॉज आई एव नॉट गिवेन यू मास आई डोंट नो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ मास एंड आर ओके सो नो शो आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी वन सो बेसिकली दीज फाइव स्टेप्स इफ यू एक्चुअली गॉट इट राइट यू इन द चैट बॉक्स एंड सिद्धार्थी सिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन मैटर करता है फ्रिक्शन का डायरेक्शन डजेंट मैटर वट एवर डायरेक्शन यू चूज बट बच्चों इफ यू चूज अ रॉन्ग डायरेक्शन देन यू विल हैव टू रिकैलकुलेट द एंटायर थिंग एंड देर फोर एज अ थंब रूल आई हैव सेड कि इफ फोर्स इज एट द टॉप देन फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ फोर्स इज एट द सेंटर एंड बिलो फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ फोर्स ओके ठीक है सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इनफैक्ट this problem if you look this was asked in iit JEE, 99 i think or 2099 so this was asked in iit JEE, 99 it says a cylinder is, plank rakha hua. so plank is kept on a cylinder and plank is applied a force f in the forward direction so you have to calculate the acceleration of this plank and acceleration of this cylinder Looks a very tough question. It was a 10 mark question in the 99. Subjective question. But you can solve using whatever I have told you. So, take this as a homework. Please write the answer in the comment box. And actually tell me, that you or not? If you the lecture, mein hai, so we'll have lot many lectures of this. Next lecture, we'll try to cover angular momentum and angular impulse. Angular impulse is not important from J -E main, but angular impulse is extremely important from J -E Advanced. So, next lecture will be about angular momentum and angular impulse, and the third lecture of rotation will be toppling. Okay? Chalo bacho. So I think enough for today. And uh, until unless you start practicing, you will not get the hang of it. So pure rolling. If you understood it, please try to apply it to all the questions that we have done and